जामुन का पेड़ कहानी सुनी है? नहीं ना, तो चलिए आज मैं स्मिथा ग्रीन टीवी के इस कार्यक्रम में आपको ये कहानी सुनाऊंगी। इसलिए नहीं कि ये हास्य व्यंग कथा दसवीं के सिलेबस से बाहर कर दी गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस कहानी में हर वो शख्स खुद को जी सकता है जो सरकारी फाइलों के सफर में उलझ कर या तो अपाहिज हो जाता है या फिर मुकम्मल हो जाता है सरकारी फाइलों की तरह। कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको एक और बात बता दूं कि व्यंग्यात्मक लघु कथा जामुन का पेड़ को ICSE द्वारा हिंदी सिलेबस से हटा दिया गया है और नोटिस जारी किया गया है कि साल 2020 और साल 2021 की बोर्ड की परीक्षाओं में इस कहानी से जुड़े सवाल शामिल नहीं किए जाएंगे। जामुन का पेड़ कहानी को लेखक कृष्ण चंद्र ने 60 के दशक में लिखा था। साल 2015 से ये कहानी 10वीं कक्षा के हिंदी सिलेबस का हिस्सा थी। इस कहानी में लेखक कृष्ण चंद्र ने सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं पर तंज किया है। पूरी कहानी में सरल भाषा के जरिए एक आम आदमी की व्यथा कही गई है कि कैसे वो कागजी कार्रवाई की भेंट चढ़ जाता है और सरकारी विभागों का गैर जिम्मेदाराना रवैया कैसे एक आम जनमानस की मुश्किलों में इजाफा करता है। कहा यह जा रहा है कि इस कहानी को सिलेबस से बाहर इसलिए किया गया है क्योंकि सियासतदानों को ये कहानी खुद पर तंज महसूस होने लगी है। बात में सच्चाई कितनी है कहानी को सुनकर आप खुद फैसला करिए। तो चलिए सुनाती हूँ आपको बरसों पहले लिखे गए जामुन के पेड़ की कहानी, जिसका वजन आज भी आम आदमी की कमर को तोड़ रहा है। रात को बड़े जोर का झक्कड़ यानी आंधी चली। सेक्रेटेरिएट की लोन में जामुन का एक दरख्त यानी पेड़ जो था वो गिरा पड़ा था। सुबह जब माली ने देखा तो इसे मालूम हुआ कि दरख्त के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया और सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर के लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द वहाँ मजमा इकट्ठा हो गया। एक क्लर्क बोला, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। दूसरा क्लर्क बोला, इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। तीसरे क्लर्क ने तकरीबन रुआंसे होकर कहा, मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे। माली ने दबी हुई आवाज़ में इशारा करते हुए कहा, मगर ये आदमी? हाँ ये आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। एक चपरासी ने पूछा, पता नहीं जिंदा है भी कि मर गया। दूसरा चपरासी बोला, मर गया होगा, इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है। दबे हुए आदमी ने वो मुश्किल करहाते हुए कहा, नहीं मैं जिंदा हूँ। एक क्लर्क ने हैरत से कहा, जिंदा है? माली ने मशवरा दिया कि पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए। एक काहिल और मोटा चपरासी बोला, मुश्किल मालूम होता है, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। माली बोला, क्या मुश्किल है, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली इकट्ठा होकर चपरासी और क्लर्क जोर लगाएंगे और दरख्त के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, माली ठीक कहता है, लगाओ जोर, हम सब तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग दरख्त को काटने पर तैयार हो गए। सुपरिटेंडेंट बोला, ठहरो मैं अंडर सेक्रेटरी से ज़रा मशविरा कर लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया और जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा और एक फाइल बनकर तैयार हो गई। फाइल चलने लगी। इसके बाद फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर खाने पर दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला भी किया। वो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ के नीचे से उस आदमी को निकालने की तैयारी में थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए लिए भागे भागे वहाँ आए। बोले, हम लोग खुद से इस दरख्त को यहाँ से नहीं हटा सकते, हम लोग वाणिज्य विभाग से संबंधित हैं और ये जो दरख्त का मामला है ये कृषि विभाग के कब्जे में है, इसलिए मैं फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से जवाब आते ही इसे हटा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि जो पेड़ है उसे हटवाने की जिम्मेदारी वाणिज्य विभाग की ही है। ये जवाब पढ़कर वाणिज्य विभाग को और गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा, पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है, वाणिज्य विभाग का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे दिन फिर फाइल चलती रही। शाम को जवाब फिर से आया,
हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फलदार दरख्त है, इसका मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सुलझा सकता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसले करने का अधिकार है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए इस पेड़ को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। रात को माली ने पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग आकर कानून को अपने हाथ में न ले लें, दरख्त को खुद ही हटाने की कोशिश न करने लगे, लेकिन एक भले पुलिस वाले ने, पुलिस कांस्टेबल ने रहम किया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, हैरत गुजरी कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ न बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे अता पता बताओ, मैं उसे खबर कर देने की कोशिश करूँगा। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं लावारिस हूँ। माली अफसोस जाहिर करते हुए वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब लिखा था और व्यंगपूर्ण भी था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अदबी मिजाज का आदमी मालूम होता था, जिसने लिखा था, हैरत है, इस समय जब दरख्त उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो दरख्त को काटने का मशवरा दे रहे हैं, वो भी एक फलदार दरख्त को, और वो भी जामुन के दरख्त को, जिसके फल आवाम बड़े स्वाद से चाव से खाती है। हमारा महकमा किसी हालत में इस फलदार दरख्त को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। जवाब सुनकर एक मंचले ने कहा, अब क्या किया जाए, अगर दरख्त काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। ये देखिए, उसी आदमी ने इशारा करते हुए बताया, अगर इस आदमी को बीच में से यानी धड़ के मुकाम से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी इधर से बाहर हो जाएगा और दरख्त भी वहीं का वहीं रहेगा। दबा हुआ आदमी बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। एक क्लर्क बोला, ये भी ठीक कहता है। आदमी को काट कर निकालने की सलाह देने वाले ने फिर से कहा, आप जानते नहीं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ के मुकाम पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। आइडिया अच्छा लगा तो अब फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट को भेजने का फैसला हुआ। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसी दिन इस महकमे का सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए मौके पर भेज दिया गया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर, उसकी सेहत देखकर, खून का दबाव, सांस की रफ्तार, दिल और फेफड़ों की जांच की रिपोर्ट बनाई और भेज दी कि इस आदमी की प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा, लिहाजा ये सुझाव भी रद्द हुआ। रात को माली ने पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया, अब मामला ऊपर चला गया है, सुना है सेक्रेटेरिएट के सारे सचिवों की मीटिंग होगी, इसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ते से बोला, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई और हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ते से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया और थोड़े ही अरसे में सेक्रेटेरिएट में ये बात फैल गई कि पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग झुंड बनाकर शायर को देखने के लिए आने लगे। खबर शहर भर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से शायर वहाँ जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें अदब और शायरी से लगाव था, वहाँ रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गज़लें और नज़में सुनाने लगे। कई क्लर्क इससे अपनी गज़लों में सुधार लाने के लिए ज़िद करने लगे। जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला लिया कि क्योंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ
कल्चरल डिपार्टमेंट से हैं। अब कल्चरल डिपार्टमेंट से गुजारिश की गई कि जल्द से जल्द इस मामले पर फैसला करके बदनसीब शायर को मुसीबत से रिहाई दिलाई जाए और फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अलग अलग सेक्शन से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। उसने दबे हुए आदमी से पूछा, तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ। सेक्रेटरी फिर बोला, क्या तखल्लुस रखते हो? अवस, सेक्रेटरी जोर से चीखा, अवस, क्या तुम वही हो जिसका शायरी संग्रह अवस फूल हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने इस बात पर सिर हिलाया। सेक्रेटरी ने पूछा, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? दबा हुआ आदमी बोला, नहीं। सेक्रेटरी जोर से चीखा, हैरत है, इतना बड़ा शायर अवस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ 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 उफ, कैसी गलती हो गई हमसे, कितना बड़ा शायर और ऐसे गुमनामी के कोने में दबा पड़ा है? दबा हुआ आदमी बोला, गुमनामी में नहीं बल्कि एक दरख्त के नीचे दबा हूँ, भगवान के लिए मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। सेक्रेटरी फौरन बोला, अभी बंदोबस्त करता हूँ, और फौरन जाकर इसने अपने महकमे में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के पास पहुँचा। शायर के पास पहुँच कर बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय समिति का सदस्य चुन लिया है, ये लो ऑर्डर की कॉपी। ये सुनकर दबे हुए आदमी ने करहा कर कहा, मगर मुझे इस दरख्त के नीचे से तो निकालो। उसकी सांस मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वो बहुत तकलीफ में है। सेक्रेटरी ने कहा, ये हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम कल मर भी जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दिलवा सकते हैं, अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम ये भी कर सकते हैं। शायर रुक रुक कर बोला, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे जिंदा रहने दो। सरकारी अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, मुसीबत ये है कि हमारा महकमा सिर्फ संस्कृति से ताल्लुक रखता है, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस दरख्त को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, लेकिन दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वो किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा था। कल तक सुबह तक किसी न किसी तरह जिंदा रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरे कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो इनको दरख्त काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय से हुक्म आया है कि इस दरख्त को ना काटा जाए, क्योंकि इसे 10 साल पहले हुकूमत पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लोन में लगाया था। अब ये दरख्त अगर काटा गया तो इस बात का अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे ताल्लुकात हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। ये सुनकर एक क्लर्क गुस्से से चिल्लाया, मगर ये आदमी, इसकी जान का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है, और ये भी तो समझो कि हुकूमत पिटोनिया हमारी हुकूमत को कितनी मदद करती है। क्या हम इनकी दोस्ती के खातिर इस एक आदमी की ज़िंदगी को कुर्बान नहीं कर सकते? निस्संदेह शायर को मर जाना चाहिए। इतने में अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सुबह प्रधानमंत्री बाहर मुल्कों के दौरे से वापस लौट आए हैं, आज शाम 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा और वो जो भी फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 5 बजे सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास पहुंचा। आते ही खुशी से चिल्लाया और फाइल हिलाते हुए बोला, प्रधानमंत्री ने दरख्त को काटने का हुक्म दे दिया है और इस वाक्य की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले ली है, कल इस पेड़ को काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुपरिटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिला कर कहा, सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। मगर शायर का हाथ सर्द था, आंखों की पुतलियां बेजान थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह तक जा रही थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की फाइल भी मुकम्मल हो चुकी थी। सरकारी फाइलों का सालों का सफ़र चंद मिनटों की इस कहानी में लेखक ने उम्दा अंदाज में समेटा है। कहानी के तंज कितने जीवंत हैं ये शायद बताने की ज़रूरत ही नहीं, और कहानी को पाठ्यक्रम से बाहर क्यों किया गया आप खुद समझदार हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।